वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, मैं हूं वकार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के आज नतीजे आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ममता हैट्रिक के करीब दिखाई दे रही है। रुझानों के हिसाब से ममता फिर से पश्चिम बंगाल में सत्ता का सिंहासन संभाल सकती है। चलिए निर्वाचन आयोग की वेबसाइट के अनुसार आपको रुझान दिखाते हैं। निर्वाचन आयोग की वेबसाइट के मुताबिक इस टाइम पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी अच्छी खासी बढ़त बनाए हुए है। 198 सीटों पर ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस आगे चल रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 89 सीटों पर बढ़त बना रखी है। इसके अलावा इंडियन नेशनल कांग्रेस सिर्फ 1 सीट पर आगे है। चलिए अब आपको NDTV की वेबसाइट पर दिखाते हैं किस राज्य में कौन सी पार्टी इस टाइम किस स्थिति में है। TMC 195 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है, BJP 95। वक्त करीब 12:12 का हो रहा है इस टाइम, और लेफ्ट 0 है, अदर 2 सीटों पर लीड में है। इसके अलावा तमिलनाडु में DMK ने कमाल कर दिया है, 137 सीटों पर बढ़त बना रखी है, 39 सीटें प्लस में DMK की इस वक्त चल रही है। वहीं ADIMK 96 सीटों पर लीड में है, 40 सीटों का ADIMK को अब तक नुकसान देखा जा रहा है। इसी तरह केरला में LDF 87 सीटों पर आगे है, कांग्रेस प्लस 49 सीटों पर संघर्ष कर रहे हैं। इसके अलावा असम में BJP प्लस 84 सीटों के साथ बढ़त बनाए हुए हैं और कांग्रेस प्लस 40 सीटों पर सिमटे हुए। किसी तरह आज तक न्यूज चैनल ने तृणमूल कांग्रेस को 100 तक पहुंचा दिया है। आज तक के रुझानों में तृणमूल कांग्रेस 200 सीटें लीड में है, यानी 2 रुझानों में 200 सीटों पर पहुंच गई है, जबकि BJP प्लस जो 100 के आंकड़े पर थी वो नीचे खिसक कर 90 पर सीमित है इस टाइम, और अन्य के पास 2 हैं, और लेफ्ट का खाता ही खुलने को तैयार नहीं है। इसी तरह को आज तक के अनुसार असम में कांग्रेस प्लस 40 पर है और BJP प्लस 84 सीटों के साथ बढ़त बनाए हुए हैं। तो हम आपको समय समय पर अपडेट देते रहेंगे, हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।